कर पाएगा। आपको खुश रखे, आबाद रखे, जा रहे खुश रहे आबाद रहे। आज हमने बनाई है बहुत ही मजेदार सी कुरकुरी फ्राई भिंडी, जो कि आप इसको खा सकते हैं दाल चावल के साथ, ये ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं दही वगैरह के साथ। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ एक भिंडी, ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो, ये देखें कितनी क्रंची। मैं आपको खा के भी बताती हूँ, ये देखें क्रंच की आवाज़ आपको आ रही होगी। आप ये रेसिपी बस घर में अपने ट्राई करें और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी है वीडियो। रेसिपी पसंद आती है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। चलते हैं मज़ेदार सी कुरकुरी फ्राई भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम जो बना रहे हैं बहुत ही मजेदार सी क्रिस्पी क्रंची खस्ता करारी सी फ्राइड भिंडी। अगर भिंडी की रेसिपी आपको भिजिया की चाहिए वो भी चैनल पे मौजूद है। भिंडी ले लीजिए, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेने के बाद स्ट्रेनर में रख के रख दिया था कि अच्छे से ड्राई हो जाए हमारी भिंडी। अब हमने इसको इस तरह करके इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, आप अपने घर के बड़ों से भी हेल्प ले सकते हैं और इसके सीड्स जो हैं इसको हमने निकाल देना है। इस तरह करके हम सारी भिंडी को कट कर लेते हैं। पहले भिंडियों को तो हमने कट कर लिया है। सबसे ज्यादा मेहनत इसमें सिर्फ भिंडियों को कट करने में, वरना तो ये भिंडियां बड़ी जबरदस्त सी बन जाती है फौरन। अब हमने लिया बेसन, बेसन मैंने लिया 3 से 5 से 6 चमचे हमने ले लें, टेबल स्पून आप लगा के उस हिसाब से ले लें बेसन। और इसके साथ साथ डाल लें 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डाल देने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे अमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी स्पाइसेस तेज रखें, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून। अब इन सारे स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेते हैं। चलें अब हम भिंडियां जो हमने काटी हुई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। आप ये वाली भिंडियां ऐसे भी खा सकते हैं बगैर किसी यानी कि रोटी वगैरह की, बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं। और दाल चावल के साथ अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। अब हमने इसको अच्छे से आपस में मिक्सअप करना है। में अच्छे से मसाला सारा बेसन वगैरह अच्छे से कोट कर लिया। अब हमने हल्का सा पानी का एक छींटा डालना है इसके अंदर और फिर एक दोबारा से इसको इस तरह करके मिक्स करना है ताकि अच्छा सा मसाला यानी कि सारा बेसन अच्छे से स्टिक हो जाए भिंडियों के ऊपर। ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है, ये देखें इस तरह करके। चलें अब ये भिंडियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं फ्राई होने के लिए। चूल्हे पे रख लिया हमने फ्राई पैन, उसमें डाल दिया खूब सारा कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल हो गया गरम। अब हम ये अपनी भिंडियाँ ही देखिए डाल देंगे इसके अंदर। इतना गरम होना चाहिए कि फौरन भिंडी हमारी फ्राई होना शुरू हो जाए, क्योंकि भिंडी इतनी बारीक बारीक सी कटी हुई है, फ्राई होने में ही ये हमारी पक भी जाएगी। भिंडी हमारी कितनी क्रिस्पी क्रंची सी फ्राई हो गई है, ये देख लें
कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। चले अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे मजेदार सा चाट मसाला और नींबू रख देंगे इसके ऊपर। चलें जी, ये देखिए कितनी जबरदस्त सी हमारी फ्राई भिंडी, कुरकुरी भिंडी रेडी हो चुकी है। और झटपट से बन जाने वाली हमारी कुरकुरी फ्राई भिंडी कितनी जबरदस्त सी लग रही है। ऊपर से लेमन डालिए और आप इसको एंजॉय करिए, बहुत मजेदार लगती है। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर क्या करें, बेल आइकन को तो आपने जरूर प्रेस करना ताकि इंडियन वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चले आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।